सब्सक्राइब कीजिए बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना बुटवक जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों 3 BHK जो अपना फ्लोर होता है, जो फ्लैट होता है, तो उसमें किस तरीके से डिज़ाइन बनाने चाहिए और हमारे जो वार्डरोब होता है, वार्डरोब का डिज़ाइन मैं दिखाऊंगा। इसमें जैसे आपका 3 BHK का जो फ्लैट है या आपका फ्लोर है, तो उसके जो 3 बेडरूम होते हैं, तो बेडरूम का डिज़ाइन और किचन का डिज़ाइन हमारा किस तरीके से होना चाहिए और लिविंग रूम का भी डिज़ाइन, और आपको जैसे बनाना हो तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। बेड का भी डिज़ाइन दिखाऊंगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें कि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो देख सकते हैं अपना, जैसे हमें 3 BHK फ्लैट का जो काम करना होता है, तो हमारा उसमें डिज़ाइन जो हम बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं वुडवर्क में डिज़ाइन अपने, देख सकते हैं अपना मेन गेट का आपको लेना, जैसे SS का गेट लेना, तो इसमें हमारा CNC जो जाली कटिंग होती है उसमें अपना लगाया गया। जैसे हमारा HPL की सीट होती है, तो उसके अंदर उसमें डिज़ाइन लगाया गया। तो आप देख सकते हैं मेन एंट्री, अगर आपको जैसे घर बनाना है तो खूबसूरत घर जो बनाना, तो अपना इस आप डिज़ाइन इसमें देख सकते हैं। अगर इसी तरीके के डिज़ाइन आपको बनाने हैं तो बना सकते हैं और देख सकते हैं अपना लेटेस्ट डिज़ाइन, बढ़िया डिज़ाइन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हमारा जो घर का डिज़ाइन होता है, जैसे 3 BHK फ्लैट होते हैं या अपना फ्लोर होता है, तो उसमें हमें कैसे डिज़ाइन बनना चाहिए। अगर आपको लिविंग रूम में ही मंदिर बनाना, तो अपना मंदिर का डिज़ाइन दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन रखना होता है। जैसे हमारा ऊपर ये अपना CNC जाली कटिंग जो हमारी MDF की लगाई जाती है फॉल सीलिंग में, तो वैसे ही लगाई जाती है फॉल सीलिंग में। तो अपना मंदिर का जो साइज़ है 7x7 फुट चौड़ाई है, उसके 7 ही फुट हाइट है। और हमारा जैसे सोफ़ा लगाना है, L-शेप में आप सोफ़ा लगा सकते हैं। और अपना देख सकते हैं वॉलपेपर दीवार पर हमारा लगा हुआ पीछे बैक में। और अपना ये TV यूनिट है, अपना TV यूनिट का जो साइज़ है 9 फुट इसकी लंबाई है और इसकी हाइट 8 फुट है। हमारा जो गेट होता है, गेट के हिसाब से जैसे कहीं पर जगह बचती है, तो उसी के हिसाब से हमें हाइट बनानी ज़रूरी होती है। अपना डाइनिंग टेबल है, जैसे आपको किचन के अंदर ही अपना डाइनिंग टेबल रखना है, जैसे आपका साइज़ अगर ऐसा ही साइज़ है तो उसी तरीके से लगा सकते हैं। छोटा डाइनिंग टेबल 4 चेयर वाला आप लगा सकते हैं इसमें। तो अपना ये देख सकते हैं पेंट्री है। और अपना ऊपर जैसे आपको मोल्डिंग बनानी है, तो मोल्डिंग का भी कलर वैसा सेम ले सकते हैं जैसे आपके सनमाइका किचन की हो। अपनी जो किचन है 5 फुट जिसकी चौड़ाई है और उसकी जो लाइन है 10 फुट है, तो उसी हिसाब से देख सकते हैं। अपना जो गेट है, आपको जैसे गेट का साइज छोड़ना है, तो उसमें जो लाइट लगानी, तो लाइट इस तरीके से लगा सकते हैं जो हमारी लाइट लगाई जाती है। और मैं आपको रूम के भी डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अगर आपको रूम अच्छे तरीके के जो अच्छे डिज़ाइन वाले रूम बनाने हैं, जिसमें हमारा लेटेस्ट डिज़ाइन होना चाहिए, ये अपने डोर्स का डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आपको पीओ पॉलिश करानी है, पीओ पॉलिश में ऐसी चमक मिल जाती है आपको, तो इसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन है और बढ़िया डिज़ाइन है और दे सकते हैं अपना। जैसे आपको बेड बनाना है, तो बेड का भी मैं दिखा देता हूँ। बेड हमारा जैसे बच्चों का रूम बनाना है, तो उस हिसाब से बेड की चौड़ाई ले सकते हैं। जैसे आपको साइज़ के हिसाब से 5 फुट चौड़ाई होती है बेड की, ज़्यादातर 5 फुट के चल रहे हैं और जो लाइन चल रही है 6x6 फुट, उस हिसाब से देख सकते हैं। अपना जैसे कंप्यूटर टेबल बनानी है, तो जैसे अपना वार्डरोब होती है, वार्डरोब के ही साथ में अटैच में लेनी होती है। तो ये देख सकते हैं अपना जो अपना डिज़ाइन, जैसा भी आपको डिज़ाइन बनाना है, जैसे फोर सीलिंग का डिज़ाइन बनाना, तो लेटेस्ट डिज़ाइन है इसमें, मैं आपको डिज़ाइन ही दिखाऊंगा। वैसे तो अगर आपको ये जैसे आपको रूम के हिसाब से जैसे डिज़ाइन देखने हो, तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको जैसे आपने छोटी अलमारी जैसे स्टोरेज के हिसाब से बनानी हो, तो सामान रखने के लिए उसी हिसाब से बना सकते हैं बालकनी में। तो अपना इस तरीके से बनाई जाती है, जैसे आपको जिस हिसाब से आपको सामान की रिक्वायरमेंट हो, तो उसी के तरीके से आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आपको सामान रखने के हिसाब से आप उसी तरीके से डिज़ाइन ले सकते हैं। अपना देख सकते हैं जैसे आपको अटैच बाथरूम है, तो बाथरूम में जो हमारा बनाया जाता है, ये अपना जैसे वैनिटी भी बना सकते हैं। और अपना टाइल्स जो होती है हमारी छत तक लगाई जाती है जैसे बाथरूम के अंदर, तो उसी तरीके से आपको वाटरप्रूफ के हिसाब से ही टाइल्स लगवानी होती है, ज़रूरी है। और अपना ये वैनिटी का जो साइज़ हमारा 2 फुट चौड़ाई है। और ये अपना वॉलपेपर, जैसे आपको 3D वॉलपेपर लगाना है, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको ये वॉलपेपर लगाना है, कितना फुट पड़ता है, क्या प्राइस पड़ता है और उसके फ़ायदे कितने हैं, तो उसी के हिसाब से वीडियो बनाई गई है। तो उसमें देख सकते हैं अपना, जैसे आपको लगाना हो या लगवाना हो, तो देख सकते हैं उस वीडियो में जाके। और मैं ये हमारा एक 1 बेडरूम हो गया, मैं 2 बेडरूम दिखा देता हूँ आपको। तो 2 बेडरूम में हमारा इसमें जैसे गेस्ट के लिए बनाना होता है, आपको जैसे गेस्ट रूम बनाना होता है, तो उस चीज़ तरीके से डिज़ाइन ले सकते हैं। तो उसमें बेड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ता है, तो अपना जो बेड का साइज़ होता है, ये 4 सीलिंग का देख सकते हैं। और अपना साइड में ही विंडो है, विंडो के ऊपर हमारा AC लगाया जाएगा, जो अंदर का जो हमारा विंडो AC होता है।
तो ये अपना फोर सीलिंग का है, फोर सीलिंग का देख सकते हैं। और अगर आपको जैसे भी आपको जैसे बैग बनानी जैसे लेट, तो हमारा जो बेड का साइज़ होता है, तो बेड का साइज़ हमें कितना साइज़ रखना चाहिए उसी हिसाब से, जैसे बेड हमें बड़ा बनाना होता है तो बड़ा साइज़ होता है। ये हमारा जैसे आपको साइड टेबल बनानी, साइड टेबल भी बना सकते हैं अपना उसी हिसाब से, जगह के हिसाब से। और कोप बनानी है आपको, जैसे हमारा ये जो बनाया जाता है डिज़ाइन, ये 5 इंची हाइट में, और इसके जो मोटाई लेते हैं हम जैसे 2.5 या 3 इंची या 2 इंची, जो भी आपको हाइट मोटाई लेनी है उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो हमारे बेड का जो साइज़ है 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 6 फुट इसकी लंबाई। उसी तरीके से इसका बेड का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा जाता है, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं अपना साइज़ भी उसी हिसाब से बना सकते हैं। जैसे अगर आपका रूम 11x11 का है या 10x11 का है, तो उसमें आप इसी तरीके का डिज़ाइन ले सकते हैं। और अपना इसमें वार्डरूम भी 3 फुट चौड़ाई और हाइट जो हमारी 9.5 फुट है, ये नीचे देख सकते हैं। ऐसे अगर आपको लेटेस्ट डिज़ाइन बनाना तो बना सकते हैं। और अपना ये मार्बल वाला माइका है और सूफा कंपनी का माइका, ये डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको उसी तरीके का डिज़ाइन लेना है तो इस घर के अंदर जितने भी डिज़ाइन हैं हमारे सूफा कंपनी के ही हैं इसमें हमारा। तो अपना देख सकते हैं, अगर आपको जैसे यही कलर जैसे आपको लगाने हैं, तो ये हमारे कलर जो है इसमें सूफा कंपनी के हैं। आप जैसे आपको जो भी कलर लगाना हो तो उस हिसाब से आप कलर देख सकते हैं। तो हमारा जो मास्टर बेडरूम का दिखा देता हूँ मैं आपको। मास्टर बेडरूम जो होता है हमारा, बड़ा साइज़ होता है इसका, जो हमें इसका साइज़ रखे जाते हैं हमारे, जो साइज़ इसकी जैसे लंबाई जैसे हमारी 15 फिट और इसका 12 फिट का ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो अगर आपको ड्रेसिंग साइड में लेने हैं, ड्रेसिंग साइड में ले सकते हैं हमारा। जैसे आपको अपना साइज़ जैसे बनाना है, जैसे बाथरूम का आपका साइज़ होता है जैसे 12 फुट इसकी लंबाई और इसकी जो हाइट होती है 10 फुट, उसी हिसाब से बना सकते हैं। हमारा जो साइज़ है बेड का, तो बेड के हिसाब से आप अपना साइज़ ले सकते हैं। जैसे 7 फुट इसकी लंबाई होती है और 6 फुट या 6.5 फुट चौड़ाई होती है, तो उस हिसाब से डिज़ाइन ले सकते हैं इसमें। जैसे आपका फोर सीलिंग का, फोर सीलिंग में आपको CNC जाली कटिंग लगानी है, तो CNC की जो जाली होती है वो लगाई जा सकती है, आप उसी तरीके से लगा सकते हैं। डिज़ाइन के हिसाब से देख सकते हैं, लेटेस्ट डिज़ाइन अपना बना सकते हैं। हमारी जो वार्डरोब है दूसरी, इसका 5 फुट चौड़ाई है और 10 फुट इसकी हाइट है। और ये हमारा TV यूनिट का जो साइज़ है, इसका 7 फुट चौड़ाई है और 7 ही फुट इसकी हाइट है। तो उसी तरीके से आप हाइट के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको जैसे अटैच बाथरूम हो, तो आप अपना वैनिटी देख सकते हैं। वैनिटी का जो साइज़ हमारा 4 फुट है, और उसमें जैसे आपको ऊपर अपना जैसे ऑक्सेस के लिए अपन को विंडो लगानी होती है, तो विंडो के हिसाब से आप उसमें अपना देख सकते हैं। तो जैसा भी डिज़ाइन आपको बनाना है, तो डिज़ाइन के हिसाब से, डिज़ाइन उसी हिसाब से होना चाहिए जो हमारा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, और जगह हमारी सामान के हिसाब से इस्तेमाल होनी चाहिए। तो साइज़ हमारे उसी तरीके से बनाए जाते हैं जो हमारे साइज़ होते हैं इसमें। तो जैसे अभी आपको अगर बालकनी में बनाना है, तो जैसे अपना देख रहे हैं, तो ओपन ऐसा छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। इसमें अभी कोई वार्डरूम नहीं बनाई यहाँ पर, वो एक ही साइड बनाई थी। तो ये हमारा जो फ्लैट का साइज़ है, तो ये 1500 स्क्वायर फीट में है। अगर आपको जैसे 3 BHK फ्लैट का डिज़ाइन लेते हो आप, तो उसी तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो। तो हमारे जो डिज़ाइन बनाया जाता है, तो उसमें अपना डिज़ाइन लेटेस्ट होना चाहिए और अच्छा डिज़ाइन देखने में लगना चाहिए। तो उसी तरीके से हमें डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं और अपना डिज़ाइन उसी तरीके से रख सकते हैं। तो अगर आपको जैसे भी आपको जो भी वीडियो देखनी है, जैसे किचन की देखनी है, अपना वार्डरोब की देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको बेडरूम की भी देखनी है, तो अपना डिज़ाइन वहाँ से देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें कि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड।